Hello everyone. Today we will be discussing this question that was asked in December 2019 exam for 4 marks, and this is a question of chemical kinetics. So the question is, the oxidation of NO2 to NO2 occurs via mechanism given below. हमें क्या है? Given है कि NO से NO2 की conversion हो रही है इस mechanism से, जिसके हमारे पास सिर्फ दो steps provided हैं. Okay? उसमें हमें निकालना है rate of change of concentration of NO2 in the excess of O2. क्या निकालना है कि जब O2 एक्सेस में प्रेजेंट है तो NO2 की कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज होगी. तो क्वेश्चन, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले NO2, जैसे ये किसके लिए निकालना है, NO2 के लिए निकालना है ना, तो देखो जरा NO2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. NO2 इस रिएक्शन में हमें प्रेजेंट दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ लास्ट में, तो आप इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिख लोगे. इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके इक्वल है, दैट इज K2, और फिर साथ में आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, ये हमेशा के लिए अब आपको याद रहना चाहिए कि अगर मुझे रेट का एक्सप्रेशन लिखना है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो उसके साथ K2 आ जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास आ जाएगा. ओके, बट ये जो है ये इस रिएक्शन के रेट का एक्सप्रेशन है. अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं उससे कि किससे NO2 किस रेट से बनेगा, तो आप जरा इतना देखो कि इस रिएक्शन के एक बार होने पे मुझे दो NO2 मिलेंगे, मतलब NO2 का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इस रिएक्शन के ट्वाइस होगा. क्यों? क्योंकि एक बार रिएक्शन होने पे मुझे दो NO2 मिलेंगे. ठीक है, ये हो गया. अब मुझे क्या करना है, मेरा आंसर तो आ गया, बिल्कुल सही है ये आंसर, बट आप देखो ऑप्शंस में आपको ऐसा कोई आंसर मिलेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि द थिंग इज, यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे ना, ऑप्शंस में सिर्फ NO प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास आंसर आ रहा है N2O2 और O2 की प्रेजेंस, N2O2 और O2. इसका इसका रीजन ये है कि हमारे पास ना कभी भी फाइनल आंसर में इंटरमीडिएट नहीं आता. फाइनल आंसर अगर आप चेक करो, उसमें इंटरमीडिएट क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट भी नहीं है और प्रोडक्ट भी नहीं है, जो बस बीच में बना और खत्म हो गया. N2O2 इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, तो वो फाइनल आंसर में कभी नहीं आ सकता. तो मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मुझे इस रिएक्शन में से N2O2 को खत्म करना है. तो उसके लिए हम लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन N2O2. ओके, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मैंने एक और क्वेश्चन सीरीज वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया डिटेल में, तो अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप वहां देख सकते हो. यहाँ पे आई जस्ट एक्सप्लेन इन लाइक ब्रीफली आई एक्सप्लेन कि दैट इज कि जहां पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज जीरो, सो N2O2 कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है. देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर मैं लिखू जीरो है, फॉरवर्ड रिएक्शन में दैट विल बी K1NO का स्क्वायर, बैकवर्ड में K-1N2O2. आपको हमेशा साथ में रिएक्टेंट ही लिखने हैं, और ये थर्ड वाली रिएक्शन में हम लिखेंगे K2N2O2 और साथ में O2. मुझे अब चाहिए क्या, मेरे को N2O2 की वैल्यू निकालनी है. निकालो यहाँ से N2O2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी. N2O2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इधर से K1NO स्क्वायर माइनस N2O2, आप कॉमन ले लो, इधर बचेगा K-1 प्लस K2O2. ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से N2O2 निकालना है, इक्वल में जीरो है, तो चलो ये क्या हो गया, ऐसे किया. अगर आपने यहाँ से N2O2 कॉमन ले लिया माइनस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस. ठीक है, अगर आप यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस. यहाँ से आप N2O2 की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू K1NO का स्क्वायर K-1 K2. आ गया, अब देखो जरा हमें करना क्या है, ये भी क्वेश्चन आ गया, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट स्टिल अभी तक भी मुझे मेरे इसमें क्या है, फाइनल आंसर नहीं मिलेगा. अब हमें जाना है इस कंडीशन पे कि O2 की क्या यूज करी हुई है, एक्सेस यूज की हुई है. जब O2 एक्सेस में है, तो जब ये चीज एक्सेस में है तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू इसके कंपेरिजन में ही आ जाएगा, तो मेरे पास N2O2 आ जाएगी ये वैल्यू. अब हमें इसको यहाँ पे पुट करना है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, K2 K1 NO का स्क्वायर और साथ में K2 O2, और साथ में आ जाएगा मेरे पास ये वाला O2 भी तो बचेगा, these two will cancel out. So the, अच्छा K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी आएगा, सो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बचा, 2K1 NO स्क्वायर, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1. तो बेसिकली किया क्या है, हमने पहले जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था उसकी इक्वेशन लिख दी, उसमें से इंटरमीडिएट छांटा कि कौन सा है, इंटरमीडिएट ढूंढने के बाद
आप उस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट कर सकते हो यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। फिर उससे भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ो और देखो उस पर क्या हिंट छुपे हुए क्या है। दैट इज एक्सेस ऑफ ओ टू, ओ टू की एक्सेस है तो उसके कंपेरिजन में जो एडिशन में है वो चीजें आप निग्लेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। तो आपको हमेशा ये याद रखना है अगर आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्वेश्चन अगर बना है ना, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया तो उसका आंसर भी जरूर होगा और वो आपके लिमिट में होगा बिकॉज आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एग्जाम देने के लिए आए हो तो पढ़ के जो आए हो दैट उससे आप सॉल्व कर सकते हो। सो व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि क्वेश्चन में छुपे हुए हिंट्स को ढूंढना है, उनको अप्लाई करना है एंड उससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।